हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की। चलो इसी रास्ते से ले गया और आगे गए, दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहे ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया और आगे बढ़े, एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है जल्दी से? लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की, राम की पत्नी है, मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला। गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की जो 2000 साल पहले लिखी गई है, आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेती हैं, चेहरा नहीं खोलती है वो ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपवा दिए। छिपाओ, डालो मास्क अपने मुंह पर। बहुत बंदरियां बनी फिरती थी अमरीकन चुड़ैल जैसे मुंह लिए भेजे, ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है, अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा, इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहाँ गई। आप जिनके पीछा कर रहे हैं ये तो लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से लगती है 60 साल। आपको यकीन बता, मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूँ मैं आपको, 60 साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुरका और खूबसूरत बुरका, डिस्को बुरका, फूल उल चढ़े हुए। अब 60 साल की बुढ़ी बेचारी चल रही है, बुरका देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा, इतना खूबसूरत बुरका था, वो नौजवान उसका पीछा करने लगा, चलने लगा। इसने पीछे मुड़ के देखा कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है और लड़का ये समझा कि धीरे धीरे चल रही है, शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है। वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, कमजोरी की वजह से, लड़का समझा हाँ लाइन दे रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुंचा लड़का और औरत, वो बुढ़िया समझ गई कि कमीना मुझे मेरा पीछा कर रहा है, तो उसने नकाब खोल दिया, खूबसूरत नकाब, बोल बूढ़े लगे नकाब खोल के कहती बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। कम वक्त, दो घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुढ़ी ने, हमें क्या मालूम खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो लड़के को भी गुस्सा आया, कहने लगा अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे, सोचा कुछ तो कह दूं इस बुढ़िया को, है इस उम्र में तू इतना खूबसूरत बुरका पहन के जा रही है फूल उल सजे हुए। लड़का सोचने लगा जब बुरका इतना खूबसूरत है तो बुरके वाली कितनी खूबसूरत होगी, लगा उसका पीछा करते हैं। लक्ष्मण ने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हर पढ़िए हदीस, अय अल्लाह के रसूल अरायतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या मैं देवर से पर्दा करूं, एक ही घर में होते हैं, देवर और जेठ का आना जाना रहता है, हमारे अपने रिश्तेदारों का आना जाना रहता है,
अय अल्लाह के नबी, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी का जवाब ये था, हाँ दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है, आज हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं, जो मजाक शौहर से भी नहीं करती वो देवर से कर लेती हैं। और एक हम है, भाभी को घर पहुंचा दो, अपने छोटे भाई को कह रहे हैं भाभी को घर पहुंचा दो। और ऐसे ही ससुराल में हमारा हाल है, ससुर कह रहा है बेटा अपनी साली को जरा स्कूल छोड़े आओ। मामले दोनों तरफ से गड़बड़ हैं। हमने अपने भाई पर इतना भरोसा कर लिया। सऊदी अरब का वाकया सुने हो ना, जद्दा वाला, एक औरत बिचारी दर्द से कराह रही थी, दर्द से, और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था। जल्दी से औरत आई उसके पास, देखिए मुझे दर्द से हो रहा है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, जरा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना है। ड्राइवर ने देखा, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने कहा वाकई औरत परेशान है, पेट बड़ा, उसने जल्दी से टैक्सी खोली, आओ बहन बैठो, उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया। जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुंचा और उसमें एंट्री होती है, तुम लेके आए हो, हाँ, लिख दिया। अब ये बैठा है कि जल्दी से वो चेकअप करा के आए तब हमें पैसा दे, जितना हुआ मेरे रियाल। उधर पता चला साहब उसको एडमिट कर लिया गया है, अभी वो दो तीन दिन रहेगी, आप उसके साथ आए हैं? इसने कहा जी। कहा ठीक है, उसको एडमिट कर लिया गया है। और उसने सोचा कि चलो अब हम चलें, एक दो दिन के बाद आऊँगा, देख लूँगा अगर बच्चा अच्छा पैदा, अभी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, डिलीवरी का मामला है, जब गुजरूंगा तब ले लूँगा पैसा। ऐसा वो चला गया। ये घर में जैसे ही लेटा, इशा के बाद सोया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने जाता था और फजर के बाद टैक्सी चलाता था। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया, इसकी बीबी ब्रेड और आमलेट बना के लाई, टेलीफोन की घंटी बजने लगी इसके घर पर, क्योंकि जब रजिस्टर पे जब इसने औरत को छोड़ा तो अपने घर का मोबाइल फोन और नंबर सब लिख दिया था। फोन आ, ए फला बोल रहे हो? जी, भोपाल के रहने वाले थे ये लोग, टैक्सी चलाते थे 20 साल से सऊदी अरब में, जद्दा में। अच्छा, तुम यहाँ अपने घर पे आराम कर रहे हो? का क्या हुआ? अरे कल तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के गए हो ना, बच्चा हुआ है लड़का, आओ और अपनी बीवी को लेके जाओ यहां से। कहता है डॉक्टर, दिमाग तुम्हारा ठीक है? बीवी, अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया हुआ होता तो कयामत आज ही आ गई होती। आ रहे हो या मैं पुलिस भेजू तुम्हारे घर? जिस औरत को यहां एडमिट कराने आए हो उसने कहा वही मेरा शौहर था जो यहां छोड़ के गया है, मैं आ रहा हूं तेरा सत्यानाश जाए चुड़ैल डाइन। उसने टैक्सी चलाई और धर से चलाता हुआ चला गया। कहने लगा ए क्या बदतमीजी है? उसने कहा तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई मैं कितनी परेशान रही? रोना शुरू कर दिया। औरत के आंसुओं में भी बड़ी ताकत होती है। वो कहने लगा ये क्या बदतमीजी है डॉक्टर साहब, ये मेरी बीवी नहीं है। डॉक्टर साहब नोक झोंक तो सब घरों में हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई हमें यहाँ छोड़ के चला गया। नहीं मैं ये बेटा मेरे, अरे मेरा मेरा नहीं है, चलो अपने घर के झगड़े अपने घर में खत्म करो चलो। उसने कहा ऐसा है चेकअप कर लो। चेकअप कहा डीएनए टेस्ट कराइए। लड़का आदमी तैयार, कहने लगा ठीक है मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। मामला इतना बढ़ गया कि डीएनए टेस्ट की नौबत आ गई। जब इसका ब्लड निकाला जाने लगा और लड़के का ब्लड, तब औरत क्या कहती है डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट कर लीजिए लेकिन मशीन कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती है। अभी आदमी चिल्लाते हुए कहता चुप, गलत रिपोर्ट दे देती है, अभी पता चलता है, दो घंटे के बाद तीन घंटे बाद जब रिपोर्ट आएगी या दो दिन तीन दिन के बाद तब पता चलेगा। डॉक्टर साहब इसको यही रखिए, दो दिन के बाद रिपोर्ट आएगी मैं आऊं। दो दिन के बाद गया डॉक्टर साहब, क्या आया? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल गलत, ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं, जाओ। वो औरत पैर पर गिर गई, डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीन की रिपोर्ट कभी कभी गलत आ सकती है, आई, अल्लाह की कसम यही मेरा पति है, यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरा आदमी है। डॉक्टर कहता है औरत नकले मत दिखा, चाट
ये तो कभी, ये तो इसका बेटा है ही नहीं, साफ साफ रिपोर्ट में आ गया ये बेटा किसी और का है, इसका नहीं है। वो कहने खूब रोई। डॉक्टर कहता, मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस आदमी की रिपोर्ट इतनी डेंजर है, इस आदमी की रिपोर्ट में तो ये आया है कि ये जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता। तुम कह रही हो कि इसका बेटा, ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। अब इस आदमी का दिमाग खराब, क्या क्या कह रहे हो डॉक्टर, कहा तुम बाप नहीं बन सकते हो भाई, सॉरी।